नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मित्रों, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि जितने लोग जागरूक हो उतनी आवाज उठाओ। देखिए, एक बात बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके खुद ग्राम प्रहरी खुद ही चीख चीख करके कह रहे हैं कि जागरूकता लाते लाते चाहे कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग परेशान हो गए। ये लोग जागना नहीं चाहते, इसका कोई रास्ता होगा, उस रास्ते को निकालो। अगर देखिए, अगर रास्ता नहीं निकालोगे, ये आप लोगों को जिम्मेदार बनना होगा। मैं खुद ही 70,000 ग्राम प्रहरी की बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत कष्ट होता है। अरे कम से कम किसी के उस पे मत जाओ यार, अपने अधिकार के लिए तो जाओ यार। मेरा बस इतना कहना है आप लोगों से, ये जो मेहनत की जा रही है, तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके चौकीदार विभाग में कितना लोग मेहनत कर रहे हैं पता है आपको? हम तो चलो जो हमसे हो पा रहा हम तो वही कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कितना बेचारे परेशान है। मैं देखता हूँ कि धरना करने आते हैं, अपने 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 किराए से 8-8, 10-10 चौकीदारों तक को लेके ले आते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो मैं ये सब चीजें जब देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार कुछ सुधार होना चाहिए, वरना ये पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए भाइयों, सुधार करो, सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि 70,000 ग्राम प्रहरी की बात में, 70,000 ग्राम प्रहरी की बात में हमेशा करता था और करता रहूंगा, लेकिन कुछ तो इसका रास्ता निकालो। अब जैसे मैंने अपनी तरफ से जो एक रास्ता बनाया, बाकी आप लोग जैसा जो आप बना पाओ वो आप बनाओ रास्ता। हमने अपनी तरफ से जो रास्ता बनाया है कि सीधे जनगणना की जाए और सबके कार्ड बना दिए जाए, उससे ये पता चल जाएगा कि भाई कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग नहीं जागरूक हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। तो ये सब करना ही होगा, कुछ ना कुछ करो, ताकि कम से कम ये एग्जैक्ट पता चल सके कि आपकी संख्या में कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं इस समय, तब जाकर के हम लोगों को काम करने में और मजा आएगा। ठीक है बंधु, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय भारत।